हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं विजडम अनप्लग्ड। आज हम हिमाचल टेट नॉन मेडिकल 2018, जिसका हाल ही में पेपर हुआ है, उसका मैथ्स पार्ट को फुली सॉल्व आपके सामने ला रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को मैंने काफ़ी फास्ट बनाया हुआ है ताकि वीडियो की लेंथ कम हो। हालांकि आप सभी टीचर्स हैं, इसलिए आपको सारे बेसिक आइडियाज़ हैं, तो मैंने क्वेश्चन को काफ़ी फास्ट सॉल्व किया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लेट्स डू नाउ, चलिए सॉल्व करते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा फास्ट बताऊँगा। पहला क्वेश्चन बी सीरीज़ का 61 है मैथ्स का, और इसमें है आपका 1 से 13 तक की जो आपकी ऑड नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे कर। फॉर्मूला जो इसमें लगेगा वो लगेगा एन इंटू 12 + 1, 12 - 1/3। ये सम होता है, अगर एन से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आ जाता है एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज, नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में हमारे पास एन जो है 1 से लेके 13 तक 7 नंबर ऑड नंबर हैं, तो 7 हमने एन लिया, आंसर आ गया हमारे पास 65। फर्स्ट का आंसर है 65। क्वेश्चन नंबर सेकंड 62, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को ऐड करके इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर वाई स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को ए स्क्वायर से और बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, जैसे ये किया हुआ मैंने, और उसके बाद उनको प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेट्स क्विक लुक, ये रहा सॉल्यूशन आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके हमारे पास वैल्यू आ गई। दोनों को प्लस किया तो आपके पास 2 sin θ cos θ, 2 sin θ cos θ प्लस माइनस में कट के बच गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों को प्लस किया तो 2 into sin² + cos² आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता आपके पास 1, तो 2:1 आपका आंसर आ गया। 63 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है, 12,000 आपके पास अमाउंट है, जो कि 5 साल में अगर कोई डबल हो जाता है तो 20 साल में कितना हो जाएगा ये वाला अमाउंट, तो देखते हैं। ये इसमें फॉर्मूला लग रहा है x रेज टू पावर 1/a = y^(1/b), a और b इसमें जो है वो टाइम है, और x और y जो है इसमें 2 × 3 × 4 × मल्टीपल हैं। तो इसमें सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, हमारे पास आ गया y = x^4। x की वैल्यू ये है हमारे पास यहाँ पे 2 गुनी, यानी कि 2, तो 2 की वैल्यू पुट कर दी तो y आ गया हमारे पास 16 गुनी, यानी कि जो आपके पास अगर 5 साल में कोई आपका अमाउंट डबल हो जाता है तो 20 साल के बाद जो 16 गुना हो जाएगा। तो एक्चुअल जो हमारे पास अमाउंट था उसको हमने मल्टीप्लाई किया 16, तो हमारे पास आंसर आ गया 1,92,000, जो कि एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 प्लेइंग कार्ड से है। 52 में आपके चार चार जो आपके चार कलर होते हैं और 13 पत्ते होते हैं हर एक कलर के। तो यहाँ पे कहा है कि पान के पत्ते और ईंट के पत्ते जो है आपका उनके उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, एक पत्ता निकालना, सॉल्यूशन देखते हैं। अब या है यहाँ पे, या का मतलब होता है प्लस, यानी कि पान प्लस ईंट, तो पान की प्रोबेबिलिटी थी आपकी 13/52, ईंट की प्रोबेबिलिटी 13/52, दोनों को प्लस किया 1/4, 1/4 को अगेन सॉल्व किया, आंसर आ गया आपके पास 1/2 हाफ। क्वेश्चन नंबर 65, 2 sin θ + 3 cos θ का अधिकतम मान क्या होगा, आइए देखते हैं। ये सोल्यूशन रहा आपका, लेट हम 2 को मान लेंगे r sin θ, 3 को मान लेंगे r cos θ, दोनों को स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे, स्क्वेयर और ऐड करने के बाद हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी √3, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, कोई आपके पास मनी है वो आपका 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट के साथ डबल हो जाता है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखते हैं क्या है रेट ऑफ। तो ये सोल्यूशन इसका, लेट्स वो हमारे पास प्रिंसिपल राशि है एक्स रुपीज़, 10 साल टाइम हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, जो उसका अमाउंट होगा यानी कि मिश्र धन होगा वो डबल है यानी कि 2x हो जाएगा, तो ब्याज लगा इसमें एक्स, मिश्र धन माइनस मूल धन, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे फॉर्मूले में इंटरेस्ट इसमें हमने पुट कर दिया, प्रिंसिपल टाइम, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आए 10%, आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके पास, आपका यहाँ पे 7/16, 5/11, 9/17, 4/7 में डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें से ऑर्डर क्या है इनका, तो पहले की वैल्यू आपके पास 43 पॉइंट में, दूसरे क्या ये 0.45, थर्ड की 0.52, फोर्थ की 0.57, इसके अनुसार जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है वो है बी, आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 68, माँ और बेटे की एज का रेशियो है 7:3, और मदर की उनकी एज का जो सम है वो है 60, तो बताइए उनकी एज का डिफरेंस कितना होगा, लेट्स सी। तो हमने एज को मान लिया 7x और 3x, एज को मान लिया, इनका सम 60 था, x की वैल्यू आ गई 6,
तो मदर की एज आई 42, आपके बेटे की एज आ गई 18, यहाँ पे ऊपर पुट किया 7 और 3 में, और इनका डिफरेंस आ गया 24, तो 24 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल 69, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? 0 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नो रॉन्ग, गलत है ये। 400 इज प्रीडिसेसर ऑफ 399, यानी कि 300 399 जो है उससे पहले 400 आता, ये भी गलत है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस राइट। और 600 इज सक्सेसर ऑफ 599, यानी 599 के बाद जो है 600 आता है, तो राइट, यानी कि 3 और 4 सही है, तो आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें हमने देखना था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी हैं। तो 30/59 को आप काटेंगे तो 5 6 6 5 जा 30 एंड 6 9 जा 54, यानी कि फर्स्ट है एंड बाकी कोई भी नहीं इसमें से। आंसर है ओनली डी, ओनली वन, यानी कि डी आंसर। आइए बोटिंग, बोट चलाते हैं अब हम, नाव चलाते हैं रावी नदी में। तो इसमें कहा है कि जो नाव है वो आपके पा आपका विपरीत, यानी कि ऑपोजिट पानी का जो अपस्ट्रीम पानी के अगेंस्ट, वो 40 किलोमीटर जो 8 आर में ट्रेवल करती है, और पानी की बहाव की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में वो 36 किलोमीटर चलती है 6 आर में। तो बताइए कि वो खड़े पानी में यानी स्टिल वाटर में, स्थिर वाटर में आपकी कितनी चलेगी। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो है आपका, ये रहा क्वेश्चन, फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड, दोनों स्पीड को आपने प्लस करना होता है, उसका हाफ करना है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है हमारे पास 40/8 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम की है 36/6 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों को प्लस किया, हाफ किया, आंसर आया 5.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 72, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। इसमें इस क्वाड्रिलेटर के अंदर दो ट्राइंगलें बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, इसका बेस सेम है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उनको प्लस करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। लेट्स डू इट। ये रहा आपका एरिया पहली ट्राइंगल का, बेस 6 हाइट 3, बेस 6 हाइट 5, दोनों को आपने वैल्यू पुट की, 9 प्लस 15 24 इज आंसर। यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका बेस आपका बेस में का जो आपका आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास यानी कि डायमीटर, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस, रेडियस आ जाएगा। सारी वैल्यू आपके फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हाइट की आ जाएगी। देख ये रहा सॉल्यूशन 73 का, डी आंसर है, पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है जो कि गिवन है 1.54, रेडियस आपका डायमीटर का हाफ 0.7 मीटर, जब सारी वैल्यू पुट की हाइट आ गई हमारे पास 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 74, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है, और आइए निकालते हैं। ये रही एक्स की वैल्यू, यहाँ 8 को हमने लिखा 2 रेज टू पावर 3, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 2 रेज टू पावर 2x-1, 2 रेज टू पावर 9-3x। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो इसको इक्वेट करके हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 2, आंसर इज 2। 75 क्वेश्चन, धनिष के पास 5 और 2 रुपये के सिक्के हैं, टोटल उसके पास 18 रुपये हैं, बताइए 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है ये, अगर उसके पास 5 रुपए के 2 सिक्के हों, 2 रुपए के 4 सिक्के हों, तभी वो 18 बन सकते हैं। तो इसका आंसर है 2 रुपए के 4 सिक्के। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे पूछा एम अपॉन एन का वैल्यू निकालिए। तो एम अपॉन तभी निकल सकते जब हमारे पास एम और एन की सेपरेट वैल्यू होगी। आइए एम और एन की पहले वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास 76 का भी है, एम और एन को हमने एलिमिनेशन मेथड से एन एन कट गया, ये बन गया 2m, 2m इज इक्वल टू 24, और एम की वैल्यू आपके पास 1/144। जब हमने यहाँ पे रूट एन की वैल्यू पुट की तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 16, एम अपॉन एन किया तो आंसर आ गया हमारे पास 9, तो 9 आपका आंसर है। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, किसी संख्या का 80% क्या होगा अगर उसका 200% 90 है। तो लेट्स सी, इसका 200% हमने किसी संख्या का वो 90 दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 45, तो 45 का 80% हमारे पास आ गया 36 इज आंसर। अगेन काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्राइंगल के आपकी टू साइड्स दी हुई हैं, उसका पैरामीटर दिया हुआ है 36, तो बताइए थर्ड साइड के, थर्ड साइड क्या होगी, पैरामीटर में से दोनों साइड्स को हम प्लस करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। तो इसको 30 से ये आ गया आपके पास 26, 36 माइनस 26 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, तो आंसर सिंपल बी है। ये आपके पास ट्राइंगल का पैरामीटर 36, इसमें से आपने क्या किया माइनस कर दिया, क्या माइनस किया 26
12 और 13 को, 12 और 14 को प्लस किया और उसको 36 में से माइनस कर दिया, तो आंसर आया आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 79, पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम की 12 और आपके पास 20 हैं, हाइट्स उसकी 8 है, तो एरिया निकालिए। सिंपल सी बात, हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये है आपके पास एरिया सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, आंसर आया 128। तो फॉर्मूले में सिंपल हमने पुट करके 128 इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कहा है कि पी की वैल्यू निकालिए। अगर कोई भी फैक्टर होता है किसी का, तो यानी कि जीरो के बराबर होता है वो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -6। इस -6 वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पी की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सी क्या आई यहाँ पे, जब हमने एक्स की -6 वैल्यू पुट की, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 132, विच इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 मिलता जुलता है, ये कह रहा है कि एक्स प्लस टू जो है वो इसको डिवाइड करता है पूरा, तो इसका क्षेत्रफल, क्या बचता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी -2, और उसको इसमें पूरी इक्वेशंस में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -49। ये देखिए, इस तरह से हमने ये -2 निकाला, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया -2, और सॉल्व करके हमारे पास आया -49 इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 आपका क्रिकेट से रिगार्डिंग है, 11 प्लेयर हैं, एवरेज स्कोर उनका 60 है, फिर उनका कैप्टन को जो है वो आपका इग्नोर करते हैं, तो उसको जो आपका एवरेज है वो 5 से एक्सीड करता है, तो बताइए कैप्टन ने कितना स्कोर किया, ये देखते हैं कितना स्कोर। तो ये था आपके पास पुराना, जब 11 प्लेयर कैप्टन के इंक्लूडिंग 660 था, फिर कैप्टन को इग्नोर किया तो आपके पास एक्सीड किया स्कोर 5 के साथ, तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 55 को प्लस किया, टोटल आ गया 715। इसको पुराने स्कोर से, एवरेज का टोटल स्कोर से माइनस किया, तो आपके पास आंसर आया 55, यानी कि कैप्टन ने स्कोर किया 55। क्वेश्चन नंबर 83 सॉरी क्वेश्चन नंबर 83 टाइम और वर्क से आपका, देखिए कैसा होता है, 24 आदमी जो हैं वो एक काम, 24 आदमी 48 दिन में एक काम को कर लेते हैं, तो बताइए उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में करेंगे, देखते हैं कितने दिन में। तो भैया ये रहा हमारा आंसर, 24 आदमी 48 दिन में एक काम को करते हैं, एक आदमी उसी काम को 48 × 24 दिन में करेगा, 36 आदमी उसी काम को 48 × 24/36, यानी कि 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है कि एक आपका रेक्टेंगुलर हॉल है, आपका आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई से कि 3/4 है, यानी कि लेंथ अगर एक्स है तो वो आपकी ब्रेथ आ जाएगी 3/4 एक्स। उस हॉल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए, तो हम लेंथ और ब्रेथ को निकालेंगे। सबसे पहले हम ये होगा कुछ ऐसे, लेंथ को एक्स ले लिया, ब्रेथ आ गई 3/4 एक्स आ गई, एरिया आपका पास दिया हुआ लेंथ इन टू ब्रेथ जो कि 300 है, एक्स की वैल्यू आ गई 20, लेंथ और ब्रेथ आ गई आपके पास, उनको माइनस किया यानी कि लेंथ आ गई आपकी 20, ब्रेथ आ गई 15, और अंतर आ गया आपके पास, इनका डिफरेंस आ गया 5, तो आंसर है आपके पास। ये कह रहे हैं कि आपका 21 सेंटीमीटर वाला एक व्हील है, पहिया है, वो कितनी रिवोल्यूशंस में जो है 924 मीटर चलेगा, तो एक रिवोल्यूशन निकालते हैं यानी कि सरकमफ्रेंस निकालते हैं पहले। इसका सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से, एक रिवोल्यूशन यानी कि इसका परिधि 2πr जो कि हुआ आपका 1.32 मीटर, एक चक्कर में इसने इतनी दूरी तय की, तो 924 दूरी तय करने के लिए वो कितने चक्कर लगाएगा, तो डिवाइड किया एक चक्कर को हमने आगे आपके सॉरी एक राउंड लगा करके 132 आया आपके पास, तो इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया आपके पास 700 चक्कर, 700 बार ये घूमा 924 मीटर को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 आपका एलसीएम एचसीएफ का है, इसमें आपने रेसिप्रोकल्स का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने का रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होता है आपका एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। लेट्स सी, ये है इसका आंसर, एच सी एफ होगा आपका एच सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर्स, एल सी एम ऑफ न्यूमिनेटर्स, एच सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर आ गया आपका 3, एल सी एम आपका 80, आंसर आपका है 3/8। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 88 अगेन सिंप्लीफिकेशन, इसमें हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से एक्स की वैल्यू मैंने -2 पुट किया, अगर ऊपर देखो एक्स की जगह, तो 3=3 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल टू -2 है। क्वेश्चन नंबर 89 आपका मॉड मीडियन का, जिसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, आइए देखते हैं। फॉर्मूला है आपका मॉड इज इक्वल टू 3 median - 2 mean, तो मॉड मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 mean/3 फॉर्मूला, क्योंकि हमने मीडियन निकालना है, वैल्यू सारी पुट कर दी, आंसर आ गया 26.5।
क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल इज इतना है, देन लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ अ स्क्वेयर हुज साइड इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, यानी कि जो इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगी उसकी हाइट जो है उसके बराबर आपका जो स्क्वेयर है उसकी साइड उसके बराबर है, तो बताइए उसका डायगनल कितना होगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे। सबसे पहले हमने इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड निकली, इसका एरिया होता है, इसमें से हमने वैल्यू पुट करके एरिया में दिया हुआ है और इसकी हमने निकाल ली साइड, साइड से निकला हमारे पास हाइट, हाइट इक्वल हुई इसके जो आपका स्क्वेयर है, स्क्वेयर की साइड हुई इसकी हाइट, तो इससे पाइथागोरस लगा करके स्क्वेयर का हमने निकाल लिया डायगनल जो कि निकला 2√6। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी फास्ट फास्ट ये वीडियो बनाई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको बेसिक ऑलरेडी पता है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई आपके पास सुझाव या रुटी होगी तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करें। इसी तरह की आगे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ये पार्ट 1 है, अगले पार्ट जल्दी ही आपके सामने लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।